हेलो, मैं हूं जयकर्मा एंड आई एम प्रेजेंटिंग टू यू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड आज हम बताएंगे। अगर पहले सॉलिड को अगर आप लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में देखें, सो एक सॉलिड का फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। हालांकि लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, बट इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और गैस, वेयर गैस का थोड़ा सा भी आप फोर्स लगाओगे तो इसका शेप भी चेंज हो जाएगा एंड वॉल्यूम भी। लिक्विड्स के ऊपर फोर्स लगाने पर इनका वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, शेप ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन सॉलिड इनके ऊपर शेप और वॉल्यूम दोनों ही चेंज नहीं होते अगर आप फोर्स लगाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका राज है इसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में। गैस के मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर है, फोर्स लगाते ही ये बिखर जाएंगे, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो जाएगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए अगर आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस बहुत ही कम होगा, लेकिन इसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास में क्लोजली पैक्ड है। ऑब्वियसली इसके ऊपर फोर्स लगाने से इसका शेप चेंज नहीं होगा, ना ही इसका वॉल्यूम। लेकिन हाँ, अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा, विच मेक्स नो सेंस। किसी भी सॉलिड को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि उसके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, और इस पर फोर्स लगाने से इसका शेप चेंज नहीं होता है, विच प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। ना ही ये कंप्रेस होता है, दैट मीन्स इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो इन मॉलिक्यूल्स को फिक्स पोजीशंस पे होल्ड करके रखते हैं, और यही उनके बीच की यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम कर देती है। दिस इज शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सॉलिड्स तो आपने देख लिया, अब ये है सॉलिड के टाइप्स। सॉलिड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सॉलिड्स दिए हुए हैं, एक बहुत ही महंगा है और एक बहुत ही सस्ता है। अब आपको गेस करना है इसमें महंगा सॉलिड कौन है और सस्ता सॉलिड कौन है। आई एम गिविंग यू टाइम लाइक फॉर 3 सेकेंड्स। ओके, सो आई गेस यू आर रेडी विद योर आंसर। किसी एक्सपर्ट को अगर आप बुलाओ तो वो अपना आंसर कुछ इस टाइप से देखेगा। आपके पास सिर्फ गेस करने का टाइम था। अगर कोई एक्सपर्ट किसी हीरे को देखता है तो वो उसे इस तरह से होल्ड करता है और उसे छोटे छोटे एंगल्स से टर्न करके अलग अलग टाइप से देखता है। ऑब्वियसली वो यहाँ पे आयरन इससे निकलने वाली लाइट को देख रहा है, तो ऑब्वियसली लाइट को देखना दैट मीन्स वो वहाँ पे उसकी ऑप्टिकल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक कर रहा है। तो क्या डायमंड को आप मूव करोगे और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग फेसेस से अलग अलग दिखेगी? क्या ग्लास को आप मूव करोगे और उसकी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग फेसेस से अलग अलग दिखेगी? लेट अस सी, यह है इसमें से हमारे पास यह है ग्लास का डायमंड और यह है रियल डायमंड। नॉट बिकॉज वो इस तरह से दिख रहा है और लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप दूर से देख के बिल्कुल नहीं बता सकते, आपको उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना होगा। जैसा कि अभी पीछे हमने देखा, वो उसकी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स स्टडी कर रहा था। असल में अगर आप एक रियल डायमंड को देखते हैं तो उसे अलग अलग एंगल से देखने से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिखाई देती है। इसका मतलब एक ओर से ज़्यादा लाइट रिफ्रैक्ट होती है और दूसरी ओर से कम। ये इसके शेप या इसके एजेस की जो शाइनी है या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट ये इसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में ही है। ये है डायमंड का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। हर कार्बन के पास चार बॉन्ड्स बने हैं, और अगर आप इसे देखें किसी एक साइड से, जैसे इस साइड से, तो इन जो पॉइंट्स से लाइट निकल रही है, तो इसे रिलेटिवली कम पाथ मतलब कम हिंड्रेंस मिल रहा है। और अगर आप इसे थोड़ा सा टर्न कर दें और किसी और अरेंजमेंट से देखें तो ऑब्वियसली इससे जो लाइट निकलेगी वो अलग यानी उसे ज़्यादा हिंड्रेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी। इसी के कारण उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़े से भी टर्न से अलग अलग दिखाई देगी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनिसोट्रॉपी। मतलब जब किसी क्रिस्टल या किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करें, यानी इस पे डिपेंड करें कि आप किस डायरेक्शन से उस प्रॉपर्टी को मेज़र कर रहे हो। कंपेयर करते हैं ग्लास और हमारे डायमंड को, तो डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। ये सिर्फ टर्म्स नहीं,
ये इनकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसा अभी आपने कार्बन में देखा, यहाँ पे भी एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, किस आप डायरेक्शन से देख रहे हो यही उसकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेगी। लेकिन एक अमॉर्फस सॉलिड हर साइड से इरेगुलर है, इसलिए मैटर ही नहीं करता आप किस डायरेक्शन से देख रहे हो, ये मोर और लेस यानी कि लगभग लगभग हर डायरेक्शन से लगभग आपको सेम ही नज़र आएगा। इसलिए ग्लास ग्लास का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो हर साइड से सेम होता है, लेकिन डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स छोटे छोटे एंगल्स के साथ डिफरेंट नज़र आता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप हीरे खरीद रहे हो तो आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख सकते हैं। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल एक शाइनी शार्प थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप से दिखता है। इसके पास एक एनाइसोट्रॉपी वाली प्रॉपर्टी होती है, इसके मॉलिकुलर मॉलिकुल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं, और इनका एक शार्प मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, खैर जैसे आप जानते हैं, आई 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आते हुए जो आइस होगी वो मेल्ट होने लग जाएगी। इसका मतलब कि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आया आपको वाटर भी दिखेगा और आइस भी दिखेगा, और आइस अभी भी सॉलिड रहेगा। इसी को कंपेयर करते हैं ग्लास से। ग्लास को अगर आप मेल्ट करना चाहो तो क्या होगा, ग्लास मेल्ट होते होते एक ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पे ग्लास सेमी सॉलिड यानी किसी जेली की तरह बिहेव करने लगेगा। अब ग्लास को टच करोगे और वो बैंड हो जाएगा, और उसके बैंड का यूज़ करके आप अलग अलग उससे ग्लासेस कहीं कहीं ऑर्नामेंट्स बना सकते हो। इसका मतलब वो क्या मेल्ट हो गया? नहीं, अभी वो नहीं मेल्ट हुआ, क्योंकि हमें तो कोई लिक्विड ग्लास देखने को ही नहीं मिला। लिक्विड ग्लास कब देखने को मिलेगा? जब आप ग्लास को मेल्ट करते जाओगे और एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पूरा का पूरा ग्लास इकट्ठा इतना ज़्यादा जेली टाइप हो जाएगा कि वो एक लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, और तब हम कहेंगे कि ग्लास मेल्ट हो गया। इसका मतलब इसका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसी और इसमें आइसोट्रॉपिक और शॉर्ट रेंज ऑर्डर हम अभी भी देख चुके हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी इसके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज के लिए सीमित है। इसका मतलब कि जो ग्लास भी सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 होती है। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल को स्टडी करो तो यहाँ पे भी एक जो एटम है वो 3 अलग अलग एटम्स से जुड़ा हुआ है। यहीं पे दूसरी साइड, यहाँ पे भी एक एटम अलग अलग 3 एटम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसके पास में जो एटम है वो भी 3 एटम से जुड़ा हुआ है, इसके पास में जो एटम है वो भी 3 एटम से जुड़ा हुआ है। तो दोनों साइड सेम टाइप का क्रिस्टल है यानी सेम टाइप का अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर है। दैट मीन्स एक एक एटम 3 एटम से जुड़ा है, फिर उसके पास वाला एटम 3 एटम से जुड़ा है। तो ये एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इट मीन्स यहाँ पे एंगल और सब कुछ, सब टाइप का अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में एक जैसा है, और यहाँ पे बिल्कुल बिखरा हुआ। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस में। तो एक साइड हम लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि लेफ्ट साइड, और एक साइड हमने लिया है एमॉर्फस सॉलिड यानी राइट साइड।